स्वागत है बेटा। अपन बेटा नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 पढ़ रहे थे बेटा, संविधान। आपको मैंने संविधान के बारे में बताया, संविधान क्या था, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना, वहां के राष्ट्रपति कौन थे। इसी प्रकार बेटा भारत का संविधान कैसे बना, कितने दिनों में बना, और वहां पे मतलब संविधान निर्माता कौन थे, ये सब मैंने आपको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ाया। आज अपन पढ़ेंगे बेटा इसके कुछ थोड़े से प्रश्न उत्तर, जिसको थोड़ी सी कठिनाई है इसलिए बेटा मैं आपको समझा देती हूँ। तो भारतीय संविधान के लिए मतलब जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। संविधान निर्माण के लिए आपके कुछ प्रश्न उत्तर है बेटा परीक्षा की दृष्टि से। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। प्रश्न पहला, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें कुछ गलती आपको क्या करनी है, पहचाननी है और अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखना है। तो प्रश्न है पहला बेटा, स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के अपने दिमाग पर खुला था। से आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इस सेंटेंस को सुधार कर लिखना है। तो स्वतंत्रता के बाद देश कैसा, मतलब देश कैसा था, लोकतांत्रिक हो, मतलब कैसा हो देश, लोकतांत्रिक हो, इस विषय पे स्वतंत्रता के आंदोलन ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा है, खा, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। मतलब इस वाक्य में भी कुछ गलत है, उसको आपको क्या करना है, सुधार कर लिखना है। तो सुधार कर ऐसे लिखेंगे बेटा, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर क्या नहीं थे, मतलब सहमत नहीं थे, और संविधान सभा के सभी विषयों पर क्या करते थे भाई, खुलकर विचार किया जाता था और निर्णय विचार विमर्श के बाद बहुमत के आधार पर क्या लिए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे। मतलब जो निर्णय थे वो विचार विमर्श करने के बाद और बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। तो ये दो प्रश्न है बेटा, इनको आपको एक गलत सेंटेंस दिया है, उसको आपको सुधार करके लिखना है। उसके बाद है बेटा कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी होगी। मतलब जिन देशों में संविधान है वहां पर सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां पर संविधान, जो लोकतांत्रिक जहां पर शासन होता है वहां पर संविधान होना जरूरी होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसके बदले में मतलब संविधान सर्वोच्च कानून है, इसलिए इसे बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार कानून लिखने पर मतलब देश का संविधान कैसा होता है, सर्वोच्च होता है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इन लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, हमें मतलब इसे लोगों की भावना के साथ और समाज में, मतलब जो समाज में हो रहे बदलाव को दूर नहीं रहना चाहिए, इसलिए बदलाव को समय समय पर शामिल करते हुए प्रावधान भी रखा और बदलाव को संविधान का, मतलब जो बदलाव होते हैं संविधान का क्या कहते हैं, संशोधन। मतलब जो संविधान, मतलब इसको बदलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको पहले प्रावधान भी रखा कि इस संविधान को क्या बदलने के लिए या संशोधन करने के, मतलब संशोधन करते किसी भी मतलब बदलाव को समय समय में शामिल करने पर प्रावधान भी रखा और इन बदलाव को संविधान मतलब संशोधन भी कहते हैं। उसके बाद हो गया बेटा, ये परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान है तो उसमें पहला ऑप्शन है
दक्षिण, मतलब उसको एक ऑप्शन आपको सही चुन के लिखना है। ये दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, दूसरा है स्त्री और पुरुष का, तीसरा है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत संख्यक बहुसंख्यकों का, तीसरा है घा रंगी चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत का अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में मतलब कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो था गोरे, जो गोरे मतलब वहां पर गोरे लोगों को बहुत महत्व दिया जाता था, तो वो गोरे अल्पसंख्यक और आश्रित बहुसंख्यकों का। तो ये ऑप्शन आपका सही वाला ऑप्शन। उसके बाद है लोकतांत्रिक संविधान में, मतलब जो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता, तो उसमें है शासन प्रमुख का नाम, तब जो शासन करता है उस प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, और तीसरा है विधायिका का अधिकार, और चौथा है देश का नाम। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वह है शासन प्रमुख का नाम। जो संविधान लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता उसमें शासन प्रमुख का नाम, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद है बेटा परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे। तो नेल्सन मंडेला का आजीवन कारावास की सजा कब दी गई, मतलब जो नेल्सन मंडेला थे उनको आजीवन कारावास की सजा कब दी गई। सन पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा है 1968 और चौथा ऑप्शन है 1964। तो जो आजीवन कारावास की सजा कब दी गई उनको 1964 में दी गई, क्या आजीवन कारावास की सजा। फिर नेल्सन मंडेला को रेविन द्वीप में किस वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए कैद रखा, तो जो नेल्सन मंडेला थे उनको कितने दिन के लिए जेल में कैद रखा, तो पहला है 28 वर्ष के लिए, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन है 24 वर्षों के लिए और चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। तो आपको मैंने पार्ट में ही बताया था कि नेल्सन मंडेला को 28 साल तक कारावास, मतलब उनको कैद में रखा गया था। फिर दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा किस वर्ष में लहराया, 26 अप्रैल 1990, दूसरा 26 अप्रैल 1994, तीसरा 26 अप्रैल 1988 और चौथा है 26 अप्रैल 1986। तो सही ऑप्शन है बेटा 26 अप्रैल 1994 को वहां पर दक्षिण अफ्रीका को गणराज्य का नया झंडा मतलब लहराया था, किस दिन, 26 अप्रैल 1994। फिर सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी, तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ये बेटा परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है गुलजारी लाल नंदा, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है टी कृष्णमचारी। तो आपको बता दूं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1948 में या दिसंबर 1950 में। तो 1947 में तो अपना देश ही आजाद हो गया था, लेकिन अपना संविधान की मतलब संविधान सभा की पहली बैठक अपनी हुई थी दिसंबर 1946 में। कब हुई थी, दिसंबर 1946 में आपकी संविधान की पहली बैठक हुई। फिर क्या है संविधान, है सरकार का गठन,
दूसरा है देश का शासन, तीसरा है वन नियम कानून बनाना, और तो सरकार का गठन, देश का शासन, नियम व कानून को संकलित प्रालेख, तो और चौथा है मौलिक अधिकार। तो संविधान है मौलिक अधिकार। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, मतलब जो संविधान है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो पहला है 6, दूसरा ऑप्शन है 14, और तीसरा ऑप्शन है 18, और चौथा ऑप्शन है 11। तो आपको मैं बता दूं, संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 11। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा एक नंबर के आपके छोटे छोटे से प्रश्न हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है संविधान के स्थायी, मतलब संविधान है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, मतलब जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो पहला इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान की खाली स्थान के अध्यक्ष थे, मतलब वो संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो आपके यहाँ खाली स्थान में आएगा प्रारूप समिति के क्या थे, वो अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, तो क्या थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर है भारत का निर्माचन संविधान सभा द्वारा खाली स्थान को अंगीकृत किया गया, मतलब जो भारत का संविधान था वह संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को उसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। तो इसका 26 नवंबर 1949 को इसका क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। इसको भारत का निर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। फिर इसके बाद है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित है, वर्णित खाली स्थान में से एक है, तो कौन सा अधिकार है, आपको मैंने बताया था मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अधिकार है वह उनमें से एक है। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाएगा उसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, मतलब उसे मतलब वह सभा जिसमें किसी देश का संविधान बनाने का कार्य के लिए शुरू से क्या कहेंगे, संविधान सभा कहेंगे, संविधान से क्या कहेंगे, संविधान सभा कहेंगे। उसके बाद है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में कैद रखा था, मतलब जो नेल्सन मंडेला थे वो कौन सा, मतलब जेल था, उस जेल का नाम क्या था, तो उस जेल का नाम था रोवेने जेल। तो जो
रोबेन जेल था, वहां पर उनको क्या किया था, रोबेन एक द्वीप था बेटा, वो उस द्वीप पर वो क्या था, वो 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश में शासन करने वाले भारत में खालिस्तान के लिए चुनाव, मतलब चुनाव मतलब जो है 1937 के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में मतलब जो चुनाव मतलब कौन सी असेंबली थी, मतलब उसमें उसको चुनाव के लिए कराए जाते थे, तो वह था प्रादेशिक असेंबली, प्रादेशिक असेंबली थी जो वहां पर उसको चुनाव कराया गया था। कंस्टिट्यूट असेंबली डिस्टर्बन के नाम से खालिस्तान मोटे मोटे खंडों को प्रकाशित किया गया था, मतलब जो मोटे मोटे मतलब उसको कितने खंडों में प्रकाशित किया था, 12-12 मोटे खंडों पर उसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर आएगा प्रादेशिक असेंबली, ये आ गया बेटा यहाँ पर आपका, ये इसका पूरा प्रादेशिक असेंबली होगा। फिर है इसका नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर, जो नागरिक थे उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर खालिस्तान नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर आएगा बेटा इस वाले स्थान में आएगा भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर है संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं में बड़ी खालिस्तान दर्ज है, मतलब कौन सी भाषा दर्ज है संविधान में, संस्थागत व्यवस्थाओं के लिए खालिस्तान मतलब बड़ी खालिस्तान में दर्ज है, तो वो कौन सी भाषा है, वह है कानूनी भाषा, कानूनी भाषा में उसको क्या किया गया है, उसको दर्ज किया है कानूनी भाषा, कानूनी भाषा में क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके लिए एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है। उसके बाद है बेटा आप देखोगे बेटा प्रत्येक रिक्त स्थान को आपको ध्यान से देखना है और उसको अच्छे से लिखना है। फिर है आपको सत्य सत्य बताना है। रंग भेद की शासकीय नीति आश्वस्तों के लिए खास तौर पे क्या थी, दमनकारी थी, मतलब जो रंग भेद की शासकीय नीति थी वो कैसी थी, दमनकारी थी, ये सत्य है, तो इसको लिखेंगे बेटा सत्य। फिर दूसरा है दक्षिण अफ्रीका 15 अप्रैल 1990 को दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बना, ये है असत्य। फिर है 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद दक्षिण अफ्रीका ने संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना, तो ये ऑप्शन है 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद, तो ये सत्य है, इसको लिखेंगे अपन सत्य। संविधान मौलिक नियमों का ऐसी किताब है जिसे किसी देश, मतलब जो संविधान है वो मौलिक नियमों की क्या है, ऐसी किताब है किसी देश में रहने वाले सामूहिक रूप से मानते हैं, नहीं गलत है, ये हो गया असत्य। फिर है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 299, ये सत्य है, उसको लिखेंगे अपन सत्य। फिर उसके बाद बेटा एक वाक्य में उत्तर दो, तो एक वाक्य में उत्तर दो, श्वेत मतलब जो श्वेत रंगीन चमड़ी वाले थे, भारतीय मतलब मूल के लोग थे जो रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करते थे, है ना, तो
संघर्ष कब से किया गया, मतलब जो संघर्ष किया गया वह कब किया गया, उसका उत्तर जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म हुआ सऊदी अरब में, सऊदी अरब में उनका जन्म हुआ। उसके बाद है 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा, मतलब 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा, मोतीलाल नेहरू ने लिखा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया, मतलब जो यंग इंडिया पत्रिका जो था उसका संपादन किसने किया, तो यंग इंडिया का संपादन संपादक थे महात्मा गांधी। तो इसका एक वाक्य में उत्तर दो बेटा, इसमें आएगा केवल एक ही वाक्य में उत्तर देना, तो ये है महात्मा गांधी। फिर है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वतंत्र पार्टी थी उसके मतलब जो संस्थापक थे वह थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल इसका आंसर होगा, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी। फिर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत की तो सभी को पता है बेटा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों, आप इसको याद करोगे और कॉपी पे लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।